नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव का सपा कार्यालय बबेरू में हुआ जोरदार स्वागत। आज सपा कार्यालय बबेरू में समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव व बांदा जिले के लोहिया वाहिनी के प्रभारी योगेश यादव योगी का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सभी समाजवादी साथियों से जनसंवाद किया और कहा कि सभी नौजवान आगे आकर बूथ को मजबूत करें और अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएं। पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये बीजेपी के जुमेलेबाज लोग हैं, देश को बेच डाल रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं। सभी लोग जाकर ज्यादा से ज्यादा नाम अपने बूथों से जुड़वाएं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। इस दौरान अनमोल यादव, दिलीप सोनी, पुत्तन सिंह, अखिलेश पाल, अनूप गुप्ता, हरीश पांडे, शिवाकांत प्रजापति, दिनेश यादव, सुरेश यादव, गुलाम खान, गुड्डू सिंह, अवधेश जैन, शिवा सोनी, हर्षवर्धन तोमर, सुमित अग्रहरि, अरुण यादव, ज्ञान गुप्ता सहित सैकड़ों समाजवादी साथी उपस्थित हुए। बांदा से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। कुछ लोग तो बीच में रह गए, कुछ पिछड़ गए और कुछ भारत की श्रेणी में आप इस देश में जी पाते। सामाजिक विकास की धारा में नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया के किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के